नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं एक्सेस भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य 20 खबरों पर। कानपुर में सपा मेयर कैंडिडेट के हार की बड़ी वजह, एमएलए अमिताभ बोले कांग्रेस को बीजेपी ने लड़ाया, डुप्लीकेट वंदना वाजपेयी ने 25,000 वोट झटके। शुक्लागंज में हर घर तक शुद्ध पानी पहुंचाना प्राथमिकता, नवनिर्वाचित चेयरमैन बोली पालिका में अब नहीं चलेगी कमीशन खोरी। सुल्तानपुर में युवक के अपहरण का आरोप, ग्रामीणों ने देर रात जाम किया सड़क, एक दिन पूर्व हुई मारपीट में रचा गया नाटक। कानपुर देहात में 7 नामजद सहित 100 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज, मतदान के दिन हुआ था हंगामा, वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश है जारी। आगरा में मौसेरा भाई शादीशुदा बहन को कर रहा ब्लैकमेल, आगरा में शादी तोड़वाने की देता है धमकी, टेढ़ी बगिया की युवती भी सहकर्मी से परेशान। लखनऊ में निकाय चुनाव में सपा की हार के पीछे बीएसपी मायावती ने 17 मेयर सीट में 11 पर मुस्लिम चेहरे उतारे। उन्नाव में प्रेमी के सुसाइड के बाद प्रेमिका ने दी जान, होटल में लगाई फांसी, सुसाइड नोट में लिखा मां रोना मत मैं विशाल के पास जा रही हूं। काशी में पीएम की भतीजी बन रिटायर्ड कर्नल से 21 लाख ठगे, स्टॉक मार्केट में मुनाफा का दिया झांसा, पीएमओ ने कहा वेरोनिका पीएम की रिश्तेदार नहीं। उज्जैन में महाकाल लोक के बाद अब मंदिर परिसर दमकेगा, न्यू वेटिंग हॉल, नंदी हॉल, कार्तिकेय मंडप और गणेश मंडप के रेनोवेशन के साथ फ्लोर भी बदलेगा। आगरा के वार्ड नंबर 36 में सालों बाद खिला कमल, वार्ड में गंगा जल और सीवर की समस्या पर बोले जनप्रतिनिधि, प्राथमिकता से होगा विकास। बिजनौर में आरोपी के घर कुर्की का नोटिस चस्पा, रेप के आरोप में फरार है आरोपी, सरेंडर न करने पर जब्त होगी चल अचल संपत्ति। भदोई में मारपीट में घायल युवक की मौत, युवक का वाराणसी में चल रहा था इलाज, गांव में भारी पुलिस बल तैनात। निगम में महिला पार्षदों की सरकार, 80 में से महिलाओं के लिए आरक्षित थे 15 वार्ड, जीतकर पार्षद बनी 30 महिलाएं। अमरोहा में खड़ी कार में बाइक सवार ने मारी टक्कर, 3 लोग घायल, हसनपुर रहेरा मार्ग पर आवारा गौवंश को बचाने के चक्कर में खड़ी हुई थी कार। मथुरा में प्लास्टिक का सामान बनाने की फैक्ट्री में लगी आग, 7 दमकल की गाड़ियां पहुंची मौके पर, 4 घंटे में पाया गया आग पर काबू। शाहजहांपुर में सरकारी स्कूल में 15 बच्चियों के साथ यौन शोषण, कंप्यूटर टीचर करता था बेड टच, बाथरूम से मिला आपत्तिजनक सामान, 3 के खिलाफ केस दर्ज। राजस्थान में 70 किलोमीटर की स्पीड से चली आंधी, आज से 3 दिन तेज हवा चलने का अलर्ट, बारिश होने की भी संभावना।
जबलपुर देहरादून हाईवे पर मिला महिला का शव। महिला ने पहन रखे थे डबल कपड़े, मानसिक रूप से विक्षिप्त बताई जा रही है मृतक महिला। मुजफ्फरनगर में अवैध वसूली में ट्रैफिक इंस्पेक्टर सहित 5 सस्पेंड। हाईवे पर वाहनों को चेकिंग के नाम पर रोककर हो रही थी अवैध वसूली। ओडिशा से लाया जा रहा 36 किलो गांजा पकड़ा, मुजफ्फरनगर पुलिस को मिली सफलता, 3 नशा तस्कर भी गिरफ्तार। Jungle.